क्यूकम्बर डलगोना कैंडी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे नंगा करके काट लिया, आधा ऐसे सर्कल सर्कल एंड आधा ना ऐसे थोड़ा लंबा लंबा, ताकि मैं इसे लेटर एस लिख सकूं। एस इसलिए लिखा है क्योंकि जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनकी आईडी है शिनचैन लवर। वैसे यार शिनचैन लवर तो हम सभी होते हैं ना, और शिनचैन लवर्स के लिए ना मैं एंड में आपको एक मस्त चीज बताऊंगी। यहाँ पे हमारा खीरा पटपटा रहा है पैन पे, आई मीन डांस कर रहा है नोरा फतेही के गाने पे, हाई गर्मी। तो ना यहाँ पे जब मैंने इसे मिक्स किया तो उसका कलर बड़ा डल लग रहा था, तो मैंने कहा यार कलर डाल देते हैं ऊपर से, बट में से थोड़ा सा ज्यादा कलर पड़ गया। उसके बाद जब मैंने बेकिंग सोडा डाला तो कलर ओके ओके सा हो गया था, पता है एक्चुअली कलर जो भी है इसका अच्छा लग रहा था, बड़ा ही ब्राइट ब्राइट। फिर मैंने इसे पोर करके कटर से कट करने की कोशिश की। एक्चुअली मैंने ना कटर लगा के और उसे फ्रीज कर दिया था, लेकिन 2-3 घंटे फ्रीज करने के बाद भी वो बिल्कुल स्टिकी स्टिकी सा था और अच्छा नहीं बना। पर हाँ, मैंने बोला था ना शिनचैन लवर्स के लिए मेरे पास कुछ है, तो कमेंट्स में जाओ वहां पे, अगर आप शिनचैन लवर हो तो वो आपने वीडियो पहले से देखी होगी, लेकिन नहीं देखी तो जाके देख लो।